अगर तुम एनी की भलाई चाहते हो तो वो तुम्हारी जो भी लगती है उसे मेरी तरफ से वार्निंग दे देना। मैं अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को हटाना जानती हूं। उन्होंने मुझे प्रपोज किया। इतनी सी बात है, तुम इतनी परेशान हो रही हो? नान, ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी तो और क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे तुम। क्या हो गया है, क्या हो गया है यार? उन्हें नहीं पता तुम शादीशुदा हो यार, तो अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है यार? उन्हें नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन वो तो मैरिड है ना। अरे यार, पूरा ऑफिस जानता है उनकी बीवी से ताल्लुकात कैसे हैं। नाम के मियां बीवी हैं बस। जो भी हो, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊं। एनी, कम ऑन, बच्चों वाली बातें मत करो। रोज रोज ये रोना लेके बैठ जाती हो। हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जॉब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। एनी देखो, तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, अब जॉब तो तुम वैसे भी नहीं छोड़ सकती, तो बस छोड़ो इस बात को, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। बच्चे की माँ हो यार, इन चीजों को हैंडल करना सीखो। बस काम ना हो। अच्छा, खाना खाओ यार, मैंने भी नहीं खाया, भूख लग रही है। और ये ऑफिस के मसले ऑफिस में डिस्कस किया करो यार, घर आके भी वही मसले मसाइल। सर, आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक बन जाए। सलमान, मैं तुम्हें आखिरी मरतबा बता रहे हैं, मुझे तुम्हारा सौरभ से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहती। बस प्लीज, मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता, उसने इनकार क्यों किया? अरे, उठ गई तुम? जी अम्मी। अदनान कहाँ है? वो तो ऑफिस चला गया। ऑफिस?
मुझे क्यों नहीं उठाया? उसने कहा कि मैं तुम्हें आराम करने दूं। लेकिन अम्मी मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी आज। अजीब लड़की हो तुम, भाई सारा दिन ऑफिस में इतना काम करती हो, एक दिन आराम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? मैंने यतनान से कहा था कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं अम्मी। एनी, ऑफिस में सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी बहुत से लोग काम करते हैं। आज वो लोग काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आज तुम आराम करो घर पे। जल्दी मैं तैयार हो जाऊं। अरे आराम कर ले थोड़ी देर बेटा। अम्मी मेरा जाना बहुत जरूरी है, बस आप दुआ किया करें कि जिंदगी के हर इम्तिहान में मैं साबित कदम रहूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये क्या कहा तुमने, अब कौन सा इम्तिहान आन पड़ा है? आप भी खाम खा परेशान हो जाती। ये बताएं निमला स्कूल चले गई? कब की, अब तो खैर से आने वाली हो गई टाइम। कितनी बुरी बेटी हूं ना मैं आपकी। क्यों? बजाय कि आप आराम करें मैं आपसे काम करवाती हूँ। अच्छा तो निमरा सिर्फ तेरी ही बेटी है, मेरी कुछ नहीं लगती? अरे मोल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, समझी? थैंक यू अम्मी, मैं बस फ्रेश हो जाऊं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस एनी आ गई? जी नहीं सर। अच्छा ठीक है, जब वो आए उनको मेरे कमरे में भेज दें। मगर सर मेरा ख्याल है आज वो नहीं आएंगी। क्यों? सर वो इतना लेट पहले कभी नहीं हुई। आपसे मैंने आपके ख्याल नहीं पूछे, जो कहा है वो ही करें। सॉरी सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ? सुबह सुबह डांट पिला दी। किसने? सलमान साहब ने। और किसने? क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, वही कुरुतुलैन साहिबा, आते साथ ही उनकी फिक्र लग जाती है। किस सोच में पड़ गए हो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा बताओ क्या कहने लगे थे? अब सलमान साहब से काम था। और मुझसे? अरे यार नाराज क्यों होती हूँ, शाम को मिलते हैं ना। चलो। तुम्हें पता है कि इस लड़की का घर कहाँ पर है? किसका? उसी कुरतुलैन का। अब शादीशुदा है? जी, और एक बेटी की माँ भी हूँ। हेलो। हाँ मैं मिसेस महरीन सलमान बोल रही हूँ। जी मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? जी मैम वो ऑफिस में है। और वो एनी भी वही है क्या? नो मैम आज वो नहीं आई। अच्छा क्यों? पता नहीं बॉस भी सुबह पूछ रहे थे। यानी सलमान को भी नहीं पता कि वो क्यों नहीं आई। जी शायद। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा वैसे बाय द वे एक बात तो बताओ, तुम्हें पता है कि इस लड़की का घर कहाँ पर है? किसका? उसी कुरतुलैन का। नो मैम। ओह क्या हुआ? मैम वो आ गई। कौन? कुरतुलैन। मुझे पता था ये भी आए बगैर रह नहीं सकेगी। चलो ठीक है मैं फोन रखती हूँ। बाय। ओके मैम।
सर मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल की नौजवान नस्ल में कहाँ इतनी जिम्मेदारी उठाने की सकत है। अब जैसे मिस हैनी को ही देख लें आप, अभी तक ऑफिस नहीं आई। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ और वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची और उनका फोन भी ऑफ है। आप में से किसी के पास भी मिस एनी के घर का नंबर है, लैंडलाइन? जी मेरे पास है सर। आपके पास उनका नंबर कैसे है? सर वो उन्होंने खुद दिया था, कभी कोई जरूरत पड़ जाए ऑफिस में तो करें उनको फोन प्लीज। जी सर। सर मे आई कम इन? ओह आइए। आई एम सॉरी सर मैं लेट हो गई। थैंक गॉड एनी आप आ गई। अब आप खुश हैं? चले जाएं, मीटिंग की तैयारी करें, हम चलते हैं। जी सर। मिस एनी? जी सर। आप प्लीज जरा यहां रहें। आप चले। देखा कैसे लड़की को अंदर ही रोक लिया उन्होंने। हमें थोड़ी सी देर सवेर हो जाए ना तो छोटे बड़े का लिहाज भूल जाते हैं जनाब। और एक मिस एनी है। मिस एनी जिसे देखते ही बॉस की जुबान तालू से लग जाती है। चलो मियां चले। मेरी फाइल लग गई, मैं लेके आता हूँ, आप चले। जल्दी आ जाना, सलमान साहब की आदत का पता है ना तुम्हें, ये मिस एनी वाली मेहरबानियां वो हर किसी पे नहीं करते, समझे? जी मैं बस आ रहा हूं। प्लीज बैठे। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं आप क्या जरूरी बात करना चाहती हैं। जानते हैं? आप मुझसे नाराज हैं ना कल वाली बात से? सर मेरा और आपका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं। तो ऐसा ताल्लुक बन तो सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता सर। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। शादीशुदा? जी और एक बेटी की मां भी। क्या कह रही हो एनी? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं मैंने आपको धोखा नहीं दिया सर। ये धोखा नहीं तो और क्या है? अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई तो आपने भी मुझसे नहीं पूछा। मैं जानती हूँ सर मेरी गलती है, लेकिन मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम मेरे एहसास से खेलती रही, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाती रही हो तुम? मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा और ना ही मैं जानती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्यों बताने चली आई? सर क्योंकि मैं चाहती थी कि आप जैसे अच्छे इंसान की फीलिंग्स को हर्ट ना करूं। हर्ट का मतलब जानती हो? जानती हूं सर, इसीलिए आपको कहने आई हूं कि आप मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें। दिल से निकाल दें? क्या ये खेल है? लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती सर। नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डाल के एक बार कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जो समझना था वो मैंने समझ लिया।
आप जानना नहीं चाहेंगे मेरा शौहर कौन है। नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। अगर तुम खुद भी चाहो तो मेरे दिल से अपनी मोहब्बत को कम नहीं कर सकोगे। अदनान, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हाँ, क्या कह रहा है? बॉस ने क्या कहा? हाँ बस वो कह रहे हैं थोड़ी देर में चलते हैं। इतना परेशान क्यों लग रहा है? कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं। अदनान, क्या हुआ तुझे? घर पे सब खैरियत है? और अभी नजर नहीं आ रही? बॉस के कमरे में। ओ, पर तुझे क्या हुआ है? यार मैं किसी टेंशन में हूं, प्लीज अभी डिस्कस नहीं कर सकता। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि हुआ क्या है। यार मैंने बताया ना, मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ भूली ना, जल्दी है निकलना है फौरन। क्योंकि मैं शादीशुदा और एक बेटी की माँ भी। ये क्या किया है नी? सब कुछ बिगाड़ती है, पता नहीं अब बॉस कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या होगा, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या जरूरत है ये बताने की तुम्हारी शादी हुई भी है? ये बात कब तक छुपाई जा सकती है? जब तक हम छुपाते छुप जाता है यार। अगर तुम्हें एनी पर इतना एतबार है तो फिर आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस तरह से वो तुम्हारे एतबार की धज्जियां उड़ा रही है। हेलो पापा। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। अरे आज पापा को कैसे याद कर लिया तुमने? वो पापा, मैं सलमान के ऑफिस जा रही थी। ऑफिस क्यों? पापा मैं तंग आ गई हूँ सलमान की हरकतों से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी ऑफिस की एम्प्लॉय के साथ इश्क लड़ाता फिरेगा। अरे अब क्या कर दिया उसने? क्या करना था पापा, आज मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उसने सलमान को किसी लड़की के साथ होटलिंग करते हुए देखा है। तो बेटा अपनी फ्रेंड को बता देना था कि वो ऑफिशियल मीटिंग पे था। पापा ये आप कह रहे हैं मुझसे? तो क्या करूं बेटा, देखो बेटा सलमान का बच्चा तो है नहीं, और फिर तुम्हें अपने घर के हालात को संभालना चाहिए था। और देखो तुम दोनों की लव मैरिज है, मैंने तो वक्त भी तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। तो आप क्या चाहते हैं पापा, मैं सलमान के आगे भीख मांगूं, हाथ फैलाऊं उसके आगे कि उस लड़की से मिलना छोड़ दे? मैंने ये कब कहा है बेटा? लेकिन आपके कहने का मकसद तो यही था ना पापा। अच्छा छोड़ो सब बातें, तुम मुझे ये बताओ कि अब करना क्या? बस पापा आप अभी मेरे साथ ऑफिस चलें और सलमान से दो टोक बात करें। अभी? लेकिन बेटा इस वक्त। ठीक है पापा,
अगर आप भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ देंगे तो फिर मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। टेंशन न लो, मैं घर आता हूँ, फिर इकट्ठे चलते। ओके पापा, बाय। बाय बेटा, टेक केयर। क्या बात, क्यों आई हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो कैसे बोलूं, फूलों का हार पहनाऊं तुम्हें? बहुत अच्छा काम करके आई हो तुम। क्या हुआ अदनान? तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? बताओगे तो पता चलेगा ना। मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या जरूरत थी ये बताने की तुम्हारी शादी हुई भी है? ये बात कब तक छुपाई जा सकती है? जब तक हम छुपाते छुप जाता यार। और अगर किसी और से पता चल जाता उन्हें तो? यार जब तब की तब देखी जाती। तुम्हें तो नहीं बताना चाहिए था ना? लेकिन तुम मेरी बात क्यों मानोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। सारा का सारा काम बर्बाद कर दिया। तो नहीं क्या मसला यार, तुम्हें अपनी ईगो को अपने पास क्यों नहीं रखती यार? ये प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं। उनको तो नहीं पता तुम शादीशुदा हो यार? और किसी और ऑफिस में काम करती तब भी ये मसले हो सकते थे। प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में ये मसले होते रहते हैं, इनकी आदत डालो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे अलावा कोई मेरे करीब आए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या हो गया यार? वैसे ही उनकी लाइफ डिस्टर्ब है, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी है तो तुम सीरियसली क्यों ले रही हो? छोड़ो इस बात को। बीवी हूं तुम्हारी, बच्चे की मां हूं मैं, उन्हें कैसे टाइम दे सकती? टाइम देना पड़ता है यार, लोग अपने करियर के लिए प्रोफेशन के लिए क्या क्या नहीं करते। और वैसे भी ऑफिस में इस तरह की दोस्तियां होती हैं, काम करने में आसानी होती है यार। तुम बस ऐसे फ्रेंड बिहेव करो, ऐसे ऐसे खुद ही समझ जाते कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन तुम्हें तुम्हें अब जाओ यहां से। I'm sorry, मैं बहुत ज्यादा बोल गया। एनी, I'm sorry. हमेशा तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम जो कहते हो मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम इस तरह। कहाँ ना गलती हो गई यार, मैं आई एम सॉरी, मैं गलत था। पापा, पापा ये है वो लड़की, ये तो किसी और के साथ है। इधर मेरी बात सुनो, तुम्हारा मसला तो हल हो गया, तुम सलमान के पास जाओ और उसे साफ साफ बता दो। लेकिन पापा, उसकी आंखों पे तो इसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है। आपको पता है वो इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। हाँ, एक तरीका है। क्या पापा? तुम सलमान को यहाँ ले आओ और उसे सब कुछ अपनी आंखों से दिखा दो। पापा, यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप जाए। मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया है, जो भी बात करनी है घर पे करो, ऑफिस में आने की जरूरत नहीं। मेरा ऑफिस है, मैं मसरूफ हूं यहाँ। जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना है तुम्हें? वही जिस पर तुम्हें बहुत यकीन है ना, मैं तुम्हें उसका असल चेहरा दिखाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह जॉब नहीं करनी चाहिए तो ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम चाहो तो नौकरी छोड़ देना। सर, इतनी सफाई से इतना बड़ा फ्रॉड, सर 80 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन ये किया किसने? इसका सही जवाब तो मिस कुरतुलैन ही दे सकती है। सलमान को किसी भी तरह शक न हो कि तुम सब जानती हो, वरना वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है पापा।